दोस्तों, दिल की बात में आज जो हमारे पास मैसेज आया है वो अरुण ने भेजा है और वो लिखते हैं कि मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे घर वाले मुझे सारा काम बोलते हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता है और अब मैं क्या करूँ। ओहो अरुण, ये तो वाकई एक मसला है और मुझे याद है कुछ साल पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और मेरे पास इसका हल भी मौजूद है। अनाया, तुमने मुझे पेन क्यों नहीं ला के दिया? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं थक गई थी इसीलिए मैं पेन लेने नहीं गई। तो तुम मुझे बता तो सकती थी ना, तुम मेरा कोई भी काम नहीं करती। मिश्मा, तुम ऐसी क्यों अनाया से नाराज हो रही हो? वो छोटी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे काम करे, और तुम खुद भी तो जाकर अपना पेन ला सकती हो। छोटी है तो उसका फर्ज बनता है कि वो मेरे सारे काम करे। एक तो ये सारे काम मुझे ही कहती है। मिश्मा, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ मरियम? तुम्हें चाहिए कि तुम अनाया से माफ़ी मांगो। हमें छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। आप ठीक बोल रही हो अनाया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुमसे कभी ऐसे बात नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मिश्मा। दोस्तों, अगर आप भी अरुण की तरह किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो कलाम-ए-मुकद्दस की इस आयत को हमेशा याद रखें। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप उसकी 44वीं आयत में यूँ लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और तुम्हारा नुकसान पहुँचाने वालों के लिए तुम दुआ करो। हमें भी चाहिए कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें और मिलजुल कर और प्यार के साथ रहें। अब जाने से पहले मैं दुआ करना चाहती हूँ। ऐ खुदा, मैं अरुण और तमाम दोस्तों के लिए दुआ करती हूँ कि आप उनकी मदद करें ताकि वो अपने दुश्मनों से मोहब्बत करें। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें सब चीज़ों का हल बताती है और दिलेरी से उनका सामना करना भी सिखाती है। दोस्तों, अगर आप भी किसी बात से परेशान हैं तो हमसे कर सकते हैं अपने दिल की बात और हम कर रहे हैं आपके मैसेज का इंतज़ार। तो मिलते हैं अगली दफ़ा और जानते हैं आपके दिल की बात ओनली ऑन Park 7 Kids। तो तब तक के लिए बाय।